फाइनली आज है हम अपने यहाँ पे ऑल्टो के यहाँ पे वेरिएंट के अंदर, और आपको पता है कि जब भी हम इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई। इस समय काफी ज्यादा गर्मी है और इस समय हमने गाड़ी का कर दिया है एसी ऑन, ठीक है। और सारा एक्सपीरियंस मैं आप तक जो शेयर करने वाला हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो तो प्रोवाइड करवाएं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम लाइन के अकॉर्डिंग मिलती रहे। फिलहाल देख सकते हैं हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है भाई। इसका यहाँ से पहले ब्लोअर को निकाल देते हैं ताकि अच्छा सा यहाँ पे एयर आए, ठीक है। ये देख सकते हैं भाई, देखो सबसे आपको मैं मेन चीज बताता हूँ। देखो हम गाड़ी भाई एक हिसाब से देखना भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना जो कि काफी हेल्दी है उनके लिए भी सही है, जो मीडियम मिड रेंज के हैं उनके लिए भी सही है। और भाई देखो सबसे पहली चीज तो भाई मेरे को इसका एसी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा है, ठीक है। गर्मी बहुत बाहर है बट फिर भी हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है देखने को, ठीक है। बाकी इंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह देख सकते हैं आप, काफी अच्छे से प्ले होता है, काफी अच्छे से आप गाड़ी को जो है ड्राइव कर सकते हैं और काफी अच्छा आप गाड़ी को चला भी सकते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं देखने को मिल जाती हैं। और अभी भाई ठंडी ठंडी हवा दे रहा है इसमें से, ठीक है। और स्टीयरिंग भाई पावर मिलता है जो कि मेरे भी भाई इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग सही है। पावर विंडो देख सकते हैं काफी अच्छे से वर्केबल है, पावर विंडोज काफी बढ़िया वर्क भी करती है, ठीक है। और ऐसे न जाने कई सारी चीजें जो कि आपको इस गाड़ी में जो है देखने को मिल जाती है भाई, ठीक है। जो भी है जितने भी बजट के साथ मिलती है वो चीजें ठीक मिल जाती है, ठीक है। और जैसे अगर हम गाड़ी को यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट गियर डालते हैं, देखो भाई फर्स्ट गियर डाल दिया, इजीली भाई उठने के लिए इजीली उठती है हमारी गाड़ी, ठीक है भाई। आग अगर उठाते हैं तो इजीली उठती है, एसी में भी लेते तो भाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती है, ठीक है। और ये देख सकते हैं अब गाड़ी को जो हम ड्राइव कर रहे हैं अपनी, ठीक है भाई। स्टीयरिंग इतना ज्यादा कह सकते ना भाई, बहुत ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं भाई ढीला, मतलब काफी बढ़िया लाइट वेट है, मतलब ज्यादा कह सकते ना कि यहाँ पे ज्यादा आपको जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा वो हो ना, बिल्कुल नहीं। आप इजीली अगर आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं है ना तो भाई अगर इस गाड़ी को छुएंगे तो काफी बढ़िया, स्टीयरिंग बहुत अच्छे से वर्केबल है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है कहीं ना कहीं भाई, गाड़ी को जब भी आप ड्राइव करते हैं इस ऑल्टो को ड्राइव करते हैं तो आपको एक अलग अपना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें रहती हैं और कहीं ना कहीं भाई ठीक है, जो भी आप इस गाड़ी के अकॉर्डिंग जब भी प्राइस आप परचेज करते हैं या फिर कभी सोचते हैं कि हाँ हमको कोई गाड़ी लेनी चाहिए, तो वो गाड़ी के लिए आपके लिए ये गाड़ी मतलब ऑप्शन एक बन सकती है कि हाँ ये गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप भी जरूर से भाई अपना कॉमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर से करिएगा। और देख सकते हैं भाई हर एक गाड़ी जो है आपको पता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। छोटी गाड़ी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे कह सकते हैं बहुत ज्यादा जो है जगह कम होती है, ठीक है, वहां पे आपके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको देती है गाड़ी, ठीक है। तो ये चीजें जो कि आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया, और होपफुली आपको ये जो वीडियो है जरूर से पसंद आ गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।